चैप्टर टू के पार्ट वन में आपका स्वागत है। और आज हम खेलेंगे ग्रैनी, और हम खेलेंगे बहुत नहीं, हम खेलेंगे सिर्फ एक के साथ, या तो ग्रैनी के साथ या फिर ग्रैंडपा के साथ। तो आज हम खेलेंगे ग्रैंडपा के साथ। तो सब वैसा ही रखते हैं, बस बूट से ग्रैंडपा पे कर देते हैं, और अब हम चलते हैं खेलने। और ये था अपना ग्रैनी गेम। इसके बाद में अपन खेलेंगे ग्रैनी के साथ में, फिर इसके बाद में खेलेंगे अपन बूट के साथ में, यानी दोनों के साथ में। फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सब जगह एक एक बारी तीन तरीके से भागेंगे, एक बारी बूट से। अभी अपन चलेंगे नॉर्मली डोर से, क्योंकि फर्स्ट टाइम डोर से जाना चाहिए। फिर उसके बाद अपन चलेंगे हेलीकॉप्टर से, फिर चलेंगे अपन बूट से। और अब ज़रा चलते हैं ज़रा आगे, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आए अंकल। वो अंधा है, वो देख ही नहीं सकता। कभी तो क्या कहता है, मैं देख ही नहीं सकता। कभी तो कहता आई सी यू, भागता भागता था पता नहीं कहाँ से। अभी कहीं पे भी आवाज़ नहीं हो रही। वहीं अगर मैं दोनों के साथ खेलता तो आवाज़ें होती बहुत खतरनाक खतरनाक। तो आ जाते हैं, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। किचन रह गया था शायद तक अपना। कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्या करूँ क्या करूँ, भागो भागो। यहाँ पे अपनी स्टनगन नहीं है, तो आगे कहीं और चलते हैं। स्टनगन तो ढूंढनी पड़ेगी। और ये हम आ रहे हैं नीचे, और वहीं अगर यहाँ पे ग्रैनी होती तो यहाँ भागी भागी आती, भागी भागी आती, भागी भागी आती। हेलीकॉप्टर की भी मिल चुकी है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने को खेलना चाहिए हेलीकॉप्टर के, क्योंकि अपने को मिलवाया जाएगा हम हेलीकॉप्टर के, लेकिन रेडी करनी है। तो चलो चलते हैं वापस। इधर सही में कुछ भी नहीं था, कुछ भी, इधर कश्मीरी सेव पड़े कुछ भी नहीं है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी नहीं है। इधर क्या है, इधर इधर लॉक कर दे, ग्रैंड पॉप बुला के कहीं लॉक कर दे तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा। हाँ ग्रैंड पॉप ठकठकाता रहेगा। ये मैड है ग्रैंड पा सही में। अभी तो अपन खुद को लॉक लगा लेते हैं, और ये लॉक भी ऐसा है अपने आप से खुल जाता है कभी भी। अपना काम तो हो गया, तो लॉक हटा लो और अब चलते हैं। और वो ग्रैंड पा बहुत तेज है, बहुत तेज ही है, बहुत ज़्यादा ही तेज हो। मुझे ग्रैंड पा के होने का आवाज़ हुआ था। और अभी जब एक बार ही देखा अपने ग्रैंड पा को, उसके बाद में दूसरी बार ही देखा ही नहीं ग्रैंड पा को। और शिट यार यार, ये तो बस नाम लिया यार शैतान हाजिर। फर्स्ट डे में मर गए हैं अपन, मरेंगे वो दिख याद है। लेकिन मुझे अभी तक स्टन नहीं मिली है, मेरे को दिखी भी नहीं थी। दिख जाते तो मैं इसको गोली भर देता हूँ, एकदम हेड शॉट देता हूँ इसको, ज़्यादा टाइम तक बेहोश हो जाता। एक मिनट कब बीत जाता पता भी नहीं चलता इस गेम में। टपक से आ जाती है ग्रैनी, टपक से आ जाता है ग्रैंड पा। बहुत तेज होते हैं ग्रैनी, ग्रैंडपा बहुत ख़राब है, सही बता रहा हूँ मैं। इधर देख के आते हैं ज़रा, आगे चल के आते हैं। मैं तो डर गया भाई, खन्ना वाला बहुत सही सांसें रुक गई मेरी। ओ खतरनाक था यार, रियली डेंजर, बहुत खतरनाक यार। हाँ ठीक आ जाएगा रियली। जा रहा था चौड़े में अपने आराम से चौड़े में, और यार अनजाने अनजाने में उसने मतलब मेरे को ऐसे मजाक में मार रहा है यार। इधर भी कुछ नहीं है, उधर भी कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं, बस काम नहीं है क्या कोई दूसरा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे इधर डोल रहा था, मेरा सही में हार्ट अटैक हो गया एकदम, पत्ता कटी था मेरा तो। डर गया,
पर ना भी डर लगता है सरकार, बहुत ना भी डर लगता है, अब क्या करूं। चलो वो चला जाएगा अंकल। शिट शिट शिट, देख लिया उसने मेरे को। उसकी आंखें बहुत तेज है, चेक करो पूरा पूरा। नीचे जाएगा नहीं, वो पहले मेरे को देख के आएगा कि हाँ भाई है ना, मतलब वैसे वो बहुत खराब है, ग्रैंडपा बहुत तेज है, चतुरा पूरा पूरा। किसी जिंदा रहने देगा ना, रख रहेगा ये गैसोलीन है यहाँ तो। इधर भी कुछ नहीं है, वहाँ चेक करा था क्या तुम? इसकी खटिया खड़ी है भाई साहब, ग्रैंडपा की तो ऐसे तो भी मरे और दिख रहा है मेरे को। देखो चौका छक्का लगा दो एकदम। हैं हैं करवा लो इससे है ना। ओए होए ओए होए, आ गई गन। मैं एक घंटे से जिसके चक्कर में घूम रहा था ना, वो आ गई। अब एक गन ढूंढने दे मेरे को बस। अब इसकी ऐसी की तैसी है अंकल, ते वाट लगी अंकल। अब ये मेरे को ढूंढ रहा है ना, मैं इसको ढूंढूंगा, मैं इसको एक गोली मारूंगा। पीतल की गोली, पीतल की गाने बजाएंगे इसके। ओके वो देख रहा है अपने को, अभी देखे ना, अब आएगा उसकी गोली भरते छाती में। हमें उसको ना ग्रैंडपा को आए हैं मारने। जेसन जेसन आ गया ग्रैंडपा को मारने। जेसन और ग्रैंडपा अंकल, ग्रैंडपा अंकल आता नहीं भी आसानी से, देख रहा है वो। अभी वो कैमरा उसने बंद कर दिया है, बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे उसको, कुछ गिरा देता हूँ। ये आवाज़ तो कर दी मैंने थोड़ी सी। देख हाय अंकल, हाय अंकल, आपका कैमरा वो भेज दो क्यों। अंकल मर गया, मुझे डराता है तू है अंकल। सिंगर मारी ना यार बोले, क्या करूँ, थोड़ा पेट वेट में मारने चाहिए थे। पेट वेट में क्या, सर सर पर मारना चाहिए था, हेड शॉट के लिए। या तो कुछ भी नहीं है, तो चलो वापस चलते हैं। अब अपने को क्या करना है। शीट शीट शीट। वो अंकल तुम्हारी यहाँ पे अब नहीं मिलेगी अंकल। सेफ की ये दो तो, सेफ सेफ कहाँ है, सेफ नीचे है। ओके तो अभी मैं हेलीकॉप्टर स्केप तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि बहुत हार्ड रहेगा हेलीकॉप्टर स्केप करना। ग्रेनी वाले मोड में रहेंगे, बोट स्केप भी नहीं करेंगे। चलो आ जाओ भाई, इचके इसको यहीं वापस से भर के रख दो। वन टू थ्री, टेप का मैं क्या करूँ, दम तो लेके घूमूंगा भाई, मैं तोड़ दूंगा उसको टपक पड़ता बेटा। हम आ गए हैं, मैं नहीं जा तोड़ी, आ गया हूँ। मन तो कह रहा मेरा इसको फोड़ नहीं सकते क्या, नहीं होता। कटिंग प्लायर है यहाँ तो, कटिंग प्लायर काट देता हूँ मैं। वो बार चाहिए अपने मतलब नहीं तो बाहर आता मैं। वो
घुमाने का आता है ना, घुमाने का, पता नहीं कहाँ रखा हुआ, मिल गया। चलो बहुत डर लगता है यार। सबसे पहले सही में सांस से अटक गई थी, सांस से एकदम फिनिश, पत्ता कटी था मेरा तो बहुत खतरनाक। तेज चल, तेज थोड़ा थोड़ा स्पीड में। चलो फेंक दे उसको, तो कोई मतलब ही नहीं है ना फिर वही दोबारा। बहुत टाइम लगेगा यार, एक एक काम को करना पड़ेगा अपने, एक एक काम। ग्रैंडपा का आवाज हुआ था यहाँ पे बेबी। ओनो शिट, ओए 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 मान जा यार। कौन कह रहा है यार तेरे को, कोई कुछ नहीं कह रहा, मैं कश्मीर से छोड़ दूंगा तेरे तक। ये तो चाल थी यार, ये तो साजिश थी यार, ये नहीं होगा मेरे से मिशन, ये भी नहीं होगा यार। फोर्ड भी चल गया यार, शिट। ओपन करूँ तो करूँ कैसे भाई साहब, गन भी साथ में लेके घूमनी पड़ेगी। शुरुआत में गन मिल जानी चाहिए, कोई से भी फिर तो कंप्लीट है भाई सब, मुझे मिलता कहाँ यार, वही तो बात है। ये किसने बंद करा? अच्छा हाँ, वो मैंने प्लायर काट दिया था ना। हाँ इसकी तो गोली भरनी पड़ेगी मुझे तो लग रहा है। गन कहाँ रखी मैंने, लेकिन गोली भरनी थी। एम बहुत गंदा है सर मेरा। बुलेट चाहिए यार, बुलेट ही नहीं, क्या कर इसमें, इसमें इसमें नसीब खराब है यार, वो इसको कैसे मारूंगा यार फिर मैं। जब बुलेट ही नहीं है तो फिर मैं मतलब यार क्या करूँ यार, एमो ही नहीं बचेगी तो। बुलेट एमो कुछ भी नहीं है, ये देखना यार लास्ट पड़ी है बुडू की। गए इससे पहले मारो, पहले मारो उससे, पहले मारो उससे, पहले मारो। अगंदे क्रोबर मिल गया अपने को, बहुत हार्ड पड़ेगा अभी तो अपने करना भी। स्टन गन मिल रही है, स्टन गन और बूढ़ो अंकल बहुत गंदी दुश्मनी है। और किधर मेरा ही सर पड़ा भी उनसे लखपत कर रहा था यार। ये उसी अंकल का कारोबार है, वो खुद का देता है ना, सामने छुड़ा लिया कहीं पड़ा हुआ था। जो केस कितना रखता है यार अपने कारोबार पे यार, ये खास कारोबार उसका हो तो इसलिए घूमता है। शिट 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 शिट
अब तो यार अपन जीत रहे हैं यार, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जीतेंगे तो अपन। अब आप मरो कुछ ही करो अंकल, मैं तो जा रहा हूँ। क्या चाहिए, एक हुक चाहिए हैंडल वाला और गिट। तो चाहिए मेन हैंडल वाला, जो मिलने के चांस बिल्कुल कम है। वो अंकल अपना पर्सनल रूम का है अंकल, नीचे ना नीचे स्पून और कहीं। कि मेरा फोन हुआ स्विच ऑफ। मुझे वापस चेक करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। और मुझे तो क्या लग रहा है कि मुझे है ना, कि आती है वो ताबूत के अंदर रख रखी लकड़ी के अंदर कॉफिन के अंदर। कॉफिन मैंने पता नहीं कौन है जो भी है, जो कुछ नहीं पता मुझे है, कोई नॉलेज नहीं है मुझे तो। वो पता तो बस कोई कुछ चीज़ मिल सकती है। ये एग्जिट का द्वार मिल गया, जा रहे हैं हम। मुझे नहीं लगा था कि अब हम जीतेंगे, लेकिन हम जीत रहे हैं। मुझे लगा था कि हम हार जाएंगे इस द्वारे में भी, लेकिन यार लग कितना सही यार, 20 मिनट में लग चमक गया अपना तो। नहीं तो मैंने पता नहीं यार, पहले पहले वाली बात है ना वही तो। भाई खतरनाक यार, ऐसी मैं जीत गया। वो ग्रैंड पापा बाहर आके देखेगा मुझे लगता है यहाँ पे, और उस बेबी को भी मार दिया मैंने। बाहर आके देख रहा है अंकल, मैं चला गया ग्रैनी अंकल। बाय हाय गाइस, हाय गाइस के बाय गाइस, हो गया अपना गेम कंप्लीट, दी एंड आ गया है। तो चलो बाय।